kopi marga? Hah? Kopi mah? Kopi tak orang mau kira, dud kadud panik kapan sudah masuk pakai meralis terpaksa nilai kurang jauh aduh. Aku minta minta taruh kali ya, mana atur gua ada bos pun pakai kamera protes protes mitra aduh. Nanti tali kap marah bos lah potong orang bos. Atur gua ada bos pun pakai kamera optus protes mitra aduh. Sampun apa? Sampun apa? Mall, karena bos itu taruh pada nilai kau nama sekar. Aja, bos itu sih aja kalau kau es bal juga protes gua. Nama, mau pipok sekar rumah, artah. Kuda kau betul aku, hanya hanya kau sudah bos sama aku tak kalau mana, mau yang itu. Kuda kau ini bisa itu dan kau ini mana kali, tu bisa kau tak hanya hanya kau mau baca. Kecuali, kuda kau betul kau tak. Kuda kau ini dari lingkia jati yang bukan grup mah, pod, subida lain, dengan kau atau apa, ada cuma kau ini zaman ini, kau ini punya zaman kuda kau ini. Kuda kau ini des melau kau mana kau, sura sur, sok cinta lah, jangan sok ti, lakukan lain, bebas tak orang tu. Iyo, hanya lah mulai. Oke bani yo kina bani hamba Nepal purbiya Nepal samaja samjhda samjhne ho bani hamba Nepal ma jatiya bhaugolik rupma vivad aairheka chha tara ti vyakti vibhed lukhi chupi dhase pari hunthe tara ahileko samajle herne ho bani mahoday hamra Nepal le niyam ma kule gari gari pranali banai banai vibhed garirheko chha yo yestai lai ho yestai ma euta udaharan ho euta pranali mari cepat apa lagi, saman, sempurna Nepal ya saman kalau nak gaya gaya itu. Iya gaya itu tak? Oke bani aja. Iya bani aja. Ile saman, asaman tak aku kharat pun sah. Tapi ile oke bani punya sini. Ile asal gaya itu tiap rup ma, gaya itu bantu gaya itu sah. Tu dalam tiap rupa itu mana ni? Pratek pertama gaya aja, kalau sih bawa aja periksa ma, tehi purus. Jadi kalau lepas sih pratek leh aja, u dah kena berita berarti udah na. Tapi tehi mana lepas pertama sih pratek leh aja, u dah kena berarti unjuk. Yuk kita asal asal, purus jangan ni aja, ini muda aja. Kehi ya saman tak? ये पोकेमन समान है ना ये लाइफ क्लास है इस पोस्ट का रूप माँ और समान था बनी जन्म होता है वो ए डी गॉड का पूरा प्रभावित है सब चीज़ का सब तिलाई वो सही बाने काम गॉड का पूरा प्रभावित है इससे एक पूरा प्रभावित अब कब का दस परसेंट लागे लागू होने को बने होता है हम बने पाली सब चीज़ तो ना सब तिलाई घर परिवार क्या मुहारा मुझको लाऊंने कोई ऐसा आना उधर राम होता है आखिर नेपाल सरकार ने दिल्ली दिल्ली तो कैसा है कुछ आम लोग तो ना बन दोनों सकती लाए मारा क्या मरे चाहिए उड़ा प्रविधि ले आमी उड़ा प्रविधि ले जाती है सब समुदाय लाए एक ले आए वाले होए कहाँ है मुझे देखी तो नहीं ये ले सर आसर और भिन्नता र समानता और समानता को देखा पार कर सकते हो दे कि ना बने हमी यहाँ मंचो जाती से जाती है एक हूँ पर हमी एक हूँ मैं हमने चाहिए कि ना पूरा प्रविधि मैं मंचो को ना चाहिए ना पूरा प्रविधि कि ना बने हमी एक हूँ हमी पुलिस पटाम होते ना कहरी हमी कुन जात को कुन घर को कुन पुरुष कुन महिला तो दिदे ना हम लोग केवल दिदे के साथ सिर्फ कला मानसिक मरा है को मानसिक मरा है को हमी उसमें भाई को कला ना मानसिक मुद्दा है यहाँ का एवे गांव में भाई की दलित समुदाय की महिला गर्भवती हुँदा उसको गर्भ में पाली शिशुलाई पनि नेपाल सरकारले राजस्व बट रकम दिइरहेको हुन्छ तर त्यही गरीब ग्रामीण समुदाय की महिला गर्भवती हुँदा उसको पाली गर्भ में बच्चा जुन केही पनि सुविधा प्राप्त हुँदैन महोदय अनि के यही हो त समानता कहाँ पनि छ यो समानता के समानता जाति समानता यहाँ भयो त महोदय यहाँ सरासर दलित र ब्राह्मण को बाप्राण को बीच में पानी समुद्र समुद्र सतह भन्दा गहिरो असमानता देखाएको छ महोदय हो यही नै गर्छ बडा प्रविधिले असमानता अनि हेर्नु हो भने शिक्षा प्रणाली पनि उत्तिकै असमानता गइरहेको छ हाम्रो कुरा प्रविधिले जब शिक्षा देशको देश विकास गर्न लागि एउटा मूल आधार हो जब शिक्षामा विभेद आउँछ तब देश विकास कसरी हुन्छ महोदय जब देश विकास हुन्छ तब हामीले कुरा प्रविधिले मात्र राखेर के गर्ने त समाजमा मेरो मेरो मित्रलाई के भन्नु हो भने जागिर एउटा राम्रो कुरा यदि जागिर राम्रो कुरा हो भने कुरा प्रविधिले हटाउनु पर्छ किनभने जनशक्ति हामी जागिर हाम्रो योग्यता ल्याएको छौँ हामी कुनै जात या कुनै समुदायकोबाट आउँदैनौँ म कुनै पनि निश्चित रूपमा म जागिर खान गएँ भने म मेरो योग्यता लिएर जान्छु म मेरो बस्ने थलेर जान्न महोदय म क्षेत्रीय समुदायकी हुँ भनेर म कहिले पनि जान्न म मेरो आफ्नो सिप र कलालाई लिएर जान्छु महोदय र म चाहन्छु मेरो आफ्नो मेरो सिप र कलाले नै मलाई जानियोस् यो कुरा प्रविधि म चाहिँदैन म जसँग लाग्छ यहाँ नेपाली महिला अहिले कुनै पनि महिला अशिक्षित र आत्मनिर्भर हुनु पर्दैन मलाई लाग्छ महोदय किनभने नेपाल सरकारले अहिले शिक्षा निशुल्क रूपमा प्रदान गर्दै आएको छ अझ हेर्ने हो भने त दलित समुदाय दलित समुदायका विद्यार्थी स्कुल भर्ना गर्न आए भने मलाई बचाउने रकम दिइन्छ लगातबाट पनि दिइन्छ तर त्यही हेऱ्यो भने गरिबले किन नहोस् या धनीले किन नहोस् ग्रामीण समुदायका क्षेत्रका बालबालिका उहाँलाई
यसले हाम्रो समाजमा निकै नै विकृति र कुनीति भित्र आइसकेको छ जनशक्ति र जनार्दन हाम्रा मूलाधार देशका मूलाधार विदेश पुग्दैछ यति भन्दै मेरो विचारको त यही धन्यवाद